दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर भारत ने तुर्की और पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया है जिसकी वजह से इन दोनों ही देशों की हवाबाजी पूरी तरीके से निकल चुकी है। दरअसल तुर्की लगातार पाकिस्तान की सेना को अपने एडवांस से एडवांस हथियार देने में लगा हुआ है ताकि पाकिस्तान की सेना को मजबूत किया जा सके। तुर्की की तरफ से पिछले साल ही पाकिस्तान को कुछ TB2 ड्रोन दे दिए गए थे और कल ही कुछ एकेंसी ड्रोन पाकिस्तान को देने का वादा भी तुर्की की तरफ से किया गया है। इन दोनों ही ड्रोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही ड्रोन भारत के लिए एक बड़ी दिक्कत खड़ी कर देंगे, लेकिन हमारा प्यारा भारत पिछले साल से ही पाकिस्तान के इन ड्रोनों का जवाब देने के लिए बैठा हुआ है। दरअसल जब से TB2 ड्रोन पाकिस्तान के एयरबेस पर देखा गया है उसी समय से ही भारत ने पाकिस्तान के इन दोनों ही ड्रोनों को लेकर अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, जिसको लेकर पिछले साल ही भारत की तरफ से QRSAM यानी कि क्विक रेस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया गया था। इस डिफेंस सिस्टम को आप ड्रोन किलर समझ सकते हैं। ये डिफेंस सिस्टम इसलिए भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली मिसाइलों की रफ्तार 4.7 मैक है और जो ये तुर्की के ड्रोन है इनकी जो स्पीड है वो 550 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की QRSAM मिसाइल कुछ ही सेकंडों में इन ड्रोनों को धूल में मिला देगी। QRSAM की मिसाइलों की थोड़ी कॉस्ट ज्यादा है, लेकिन अभी इस बात का सॉल्यूशन भी DRDO की तरफ से निकाल लिया गया है क्योंकि DRDO दुर्गा 2 को बनाने में लगा हुआ है। दुर्गा 2 इन दोनों ही ड्रोनों का अकेला ही इलाज कर देगा। दुर्गा 2 से अगर हम पाकिस्तान के इन चिंदी ड्रोनों को मारेंगे तो हमें इन ड्रोनों को मारने की कीमत बहुत ही ज्यादा कम पड़ेगी और अब दुर्गा 2 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। दुर्गा 2 को लेकर ऑलरेडी एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि जैसे जैसे हमारे दोनों पड़ोसी ड्रोनों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं उससे परेशान होकर भारत के वैज्ञानिक इसका जवाब देने के लिए हमारे वैज्ञानिक दुर्गा 2 बना रहे हैं और भारत का दुर्गा 2 हथियार चाइना, पाकिस्तान और तुर्की के ड्रोनों के लिए सीधा ही जवाब होगा।